वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर 2 में स्वागत है। आप लोगों ने होपफुली अभी तक लेक्चर 1 देख लिया होगा और पहले 3 सब टॉपिक्स को कवर भी कर लिया होगा। हमने क्या किया था उस लेक्चर में, 3 सब टॉपिक्स देखे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए थे। अब हम इस लेक्चर में बाकी के 3 सब टॉपिक देखने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर को पहले देख लें और फिर वापस इस लेक्चर पे आएं ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल, चलिए चलते हैं दोस्तों चौथे सब टॉपिक की तरफ। दोस्तों चौथे सब टॉपिक के अंदर अर्ली या लेट का क्वेश्चन आता है। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो तो आप अगर एक स्पीड पे जाओगे तो आप 5 मिनट लेट हो गए, अगर आप दूसरे उससे ज्यादा स्पीड पे जाओगे तो आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं वो आपको और फिर आपसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं वो, या अगर डिस्टेंस देख लिया है, दे दिया उन्होंने, तो वो आपसे पूछेंगे बताओ कितने देर पहले निकलना चाहिए ऑफिस पहुंचने के लिए अगर हमें एक स्पीड पे जाना हो तो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, जैसे कि हम अर्ली लेट में आपको बता चुका हूं, ये टॉपिक है, सब टॉपिक है अर्ली एंड लेट, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले एग्जांपल को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व भी करके देख लेंगे। एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है, हाउस टू ऑफिस, जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो जाता है तो 10 मिनट से लेट हो जाता है। ठीक है, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ऑफिस। तो बोलना है डिस्टेंस क्या है। इसके लिए भी आपको कुछ लोग नया फॉर्मूला दे देंगे, लेकिन मैं वो आपको नहीं देने वाला हूं, इसलिए नहीं देने वाला हूं क्योंकि आप देखते ही समझ जाओगे, सॉल्यूशन को देखते ही आप समझ जाओगे कि कितना इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हो तो। तो चलिए, ऑफिस जा रहा है ये बंदा, ये उसका होम है, ये उसका ऑफिस है। अगर वो बंदा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो ऑफिस 10 मिनट लेट हो जाएगा पहुंचने में, 10 मिनट्स लेट। अगर वही बंदा अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो वो ऑफिस कितने जल्दी पहुंच जाएगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 5 मिनट्स अर्ली। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस को चलो डी मान लेते हैं, डिस्टेंस को डी मान लिया हमने। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला टाइम जो है टी वन बोल देते हैं उसको, अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो उसे जो टाइम लगेगा उसको टी वन बोल देते हैं, तो डी अपॉन 30 हो जाएगा। अगर इसी तरह टी टू को देखें, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो टी टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस डी अपॉन 40। दोस्तों ये कैसे हो रहा है, ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहां पर क्या पता है हमें, स्पीड पता है, डिस्टेंस अननोन है, उसको हमने डी बोल दिया है। हम टाइम वन देख रहे हैं, टाइम वन कब है, जब ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। टाइम टू क्या है, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो आप देख रहे हो टाइम वन और टाइम टू आ चुका है। आप एक चीज अगर ध्यान से देखो यहां पे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अगर इसे 9 बजे पहुंचना होता, अगर इसे 9 बजे पहुंचना होता तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कितने बजे पहुंच पा रहा है दोस्तों, 10 मिनट लेट हो जा रहा है, यानी 9:10 पे पहुंच रहा है। और ये 5 मिनट जल्दी जब पहुंच रहा है 9 बजे से, तो कितने बजे पहुंच जाएगा, 8:55 पे, तभी तो 5 मिनट जल्दी पहुंचेगा ना। डिफरेंस कितना है दोनों के टाइम का, 15 मिनट। डिफरेंस कितना है, 9:10 और 8:55 के बीच में 15 मिनट। तो 15 मिनट आ गया हमारा यहां से। टी वन में क्या हो रहा था, टी वन में वो लेट हो जा रहा था, टी टू में जल्दी पहुंच जा रहा था। तो टी वन माइनस टी टू जैसे ही करेंगे तो 15 मिनट आ गया। 15 मिनट को 1/4 आवर्स भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए अपने को। टी वन माइनस टी टू कर लेते हैं, डी अपॉन 30 माइनस डी अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/4। कुछ नहीं है, सिंपल सा इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन, एक ही वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना है इसको, डी इंटू 1/30 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व करना शुरू करते हैं, डी इंटू 40 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 40, इसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, कुछ कुछ नहीं किया है हमने, यहां
30 40 का चलो मल्टीप्लीकेशन नीचे ले लिया है, 40 को इधर लेके गए क्योंकि 30 नीचे था तो 40 को इधर लेके गए, इधर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 40 माइनस 30 हो जाएगा, 40 माइनस 30 ऊपर आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी इंटू 10 अपॉन 30 इंटू 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन गया, ये सीधे इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, डी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 30 इंटू 40 ऊपर चला जाएगा उछल करके, 30 इंटू 40 ऊपर चला जाएगा उछल करके, और 10 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये 4 बच गया, 4 से 4 कट गया, 10 से 10 कट गया था, हो गया डिस्टेंस 30 किलोमीटर। दोस्तों तुम्हारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर। तुमने क्या देखा यहाँ पे, अर्ली लेट के क्वेश्चन में आपसे अगर डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस को वेरिएबल मान लेना है डी के बराबर, और उसके बाद उसको एक इक्वेशन में ले आना है। जैसे ही आप लिनियर इक्वेशन ले आओगे एक वेरिएबल में, फिर तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो होपफुली दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं सब टॉपिक 5 की तरफ। दोस्तों पांचवा सब टॉपिक रिलेटिव स्पीड का है। क्वेश्चन छोड़ते हैं पहले, हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। आप ट्रेन में बैठे हुए होंगे बहुत बार, और अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती होगी, तो आप देखते होंगे कि वो ट्रेन बहुत ही फास्ट जा रही है, आपको ऐसा लगता होगा एटलीस्ट कि वो ट्रेन बहुत ही फास्ट जा रही है। वही अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही है और आपको ओवरटेक कर रही है, तो आपको लगता होगा कि वो ट्रेन बहुत ही स्लो जा रही है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जो रीजन है उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो अब रिलेटिव स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली, इस चीज को समझते हैं। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो और दूसरा ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, तो क्या लगता है हमें कि वो स्पीड, वो जो ऑब्जेक्ट है दूसरा वाला, वो बहुत ही फास्ट आ रहा है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आपके फ्रेम में जाकर के अगर देखें तो आपको तो ये लगता है कि आप बैठे हुए हो। ट्रेन के अंदर क्या होता है, आपको लगता है आप बैठे हुए हो, आपको ये लगता है कि आप बैठे हुए हो, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि सामने वाले की स्पीड बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप V1 स्पीड से जा रहे हो और इधर से दूसरी ट्रेन आ रही है V2 स्पीड से, तो आपको लगेगा कि आप बैठे हुए हो, यानी आपकी स्पीड जो है वो आपको वर्चुअली, यानी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी स्पीड 0 है और सामने वाली ट्रेन की स्पीड जो है वो हो जाएगी V1 + V2। ऐसा क्यों हो जाएगा, जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो तो आपको लगेगा कि आपने कवर नहीं किया है, आपको लगेगा आप एक जगह स्थिर हो, आप एक जगह स्टेशनरी हो, लेकिन एक्चुअली आप मूव कर रहे होगे। वो मूवमेंट चूंकि आपको लगता है स्टेशनरी है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे, यानी दूसरे ट्रेन पे। दोस्तों ये क्लास 9 फिजिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे, तो एक बार प्लीज जाके NCERT को देखें, क्लास 9 के फिजिक्स को, वहां आपको समझ में आ जानी चाहिए। वैसे अगर आप नहीं भी देखते हो तो आपके लिए मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान देके समझें इसे। जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो बहुत नॉर्मल सी फीलिंग आती है ना कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है बहुत तेजी से आ रहा है हमारी तरफ, यही फीलिंग होती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड उसकी, हमारे रिलेटिव जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, हम भी मूव कर रहे हैं वो भी मूव कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड। जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो आप, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं, जैसा हमने यहां पे किया। जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हो, एक ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठे हो, मान लो एक ट्रेन है इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन आपको पीछे से ओवरटेक करती है, जैसे आपको पीछे से ओवरटेक करेगी आपको लगेगा बहुत ही धीरे धीरे ओवरटेक कर रही है, आपको लगेगा कि ट्रेन जा ही रही है बहुत लंबे टाइम तक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप भी तो मूव कर रहे हो ना उसी डायरेक्शन में, जब आप भी मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल होने का, आप तो खुद का डिस्टेंस 0 मान ले रहे हो। थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू समझते हैं, आपने क्या किया, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है, आपने अपना डिस्टेंस लेकिन 0 मान लिया हुआ है, तो ट्रेन जब यहां से यहां चली गई, दूसरी ट्रेन आपको ओवरटेक करके यहां पे आई, पहले ऐसे आपके पहले लाई, फिर आपको ओवरटेक करते हुए आगे चली गई, ऐसे केस में क्या हुआ, आपको लगा आप यहां बैठे हुए हो और ट्रेन ऐसे आई और आगे चली गई, तो
तो आपको लग रहा है बस इतना मूवमेंट किया ये वाली ट्रेन, जबकि ये वाली ट्रेन कितना मूवमेंट कर चुकी है, इतना। अगर ये ट्रेन इतना मूवमेंट कर चुकी है और आपको लग रहा है बस इतना ही मूवमेंट की है, तो इसकी स्पीड आपको रिलेटिवली कम लगेगी, ठीक है। तो जैसे V1 है आपकी स्पीड और इसकी स्पीड है V2, V2 ज्यादा है V1 से, तभी तो ओवरटेक करेगा ना आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, RS बोल लेते हैं रिलेटिव स्पीड को, V2 - V1, ठीक है। यही दो कॉन्सेप्ट हैं, यही दो फॉर्मूले हैं पूरे रिलेटिव स्पीड के अंदर, इन्हीं दो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हुआ करेंगे। एक बार हमें मान लो रिलेटिव स्पीड मिल जाती है, रिलेटिव स्पीड V1 + V2 अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो तो, और V2 - V1 अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो, V2 - V1 में क्या है, V2 बड़ा होना चाहिए तभी वो ओवरटेक कर पाएगा। अगर V1 ज्यादा होगा तो V1 - V2 करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इस तरीके से निकाल लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसके बाद तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है जो हम 50 बार देख चुके हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। याद रखना है अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देना है स्पीड को, और सेम डायरेक्शन में सब्स्ट्रैक्ट कर देना है, यानी घटा देना है स्पीड को एक दूसरे से। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर हम ये पढ़ें कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लेंथ है 100 meters, दूसरे ट्रेन की लेंथ है 80 meters, वो पैरेलल लाइंस पे चल रही हैं। ये जो है साइन, ये पैरेलल का सिंबल होता है, यानी पैरेलल लाइंस पे चल रही है। दो ट्रैक है रेलवे की, रेल की दो ट्रैक है, एक ट्रेन इस पे चल रही है, एक ट्रेन इस पे चल रही है। अब जा रही है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 18 सेकंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस ईच अदर इन 9 seconds। आपको ये तो बहुत पहले से समझ में आ चुका होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगी दोनों ट्रेन तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेगी, तो ऑब्वियसली ये 9 seconds होगा, इससे तो कम ही होगा 18 seconds से। तो बताओ फास्टर ट्रेन जो है इन दोनों में से, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। यही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक ट्रेन की लेंथ है 100 meters, दूसरे ट्रेन की लेंथ है 80 meters। अब आप ध्यान से देखें कितना टोटल लेंथ हो जाता है, टोटल लेंथ हो जाता है हमारा, टोटल लेंथ हो जाता है हमारा 100 + 80, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो कि हो जाता है 180 meters। इसलिए इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है ऐसे, ये मान लीजिए इसका हेड है, ये ट्रेन को कब बोलेंगे कि हम पास कर चुकी है, जब ये वाली ट्रेन, नीचे वाली ट्रेन यहां आ चुकी होगी और आगे वाली ट्रेन यहां जा चुकी होगी, यानी दोनों के लेंथ के बराबर, दोनों के लेंथ को ऐड कर देना है तब हम बोलेंगे ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है। उसी तरह जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, पीछे से ट्रेन ऐसे आई, इस ट्रेन को क्या करना है, इसको क्रॉस कर जाना है। जब ये ऐसे आ जाएगी तब हम बोलेंगे कि इस ट्रेन ने दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर लिया है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, L1 + L2। कोई भी डाउट नहीं आनी चाहिए, दोनों के लेंथ को जोड़ देंगे वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों केस में ये करके हमने देख लिया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 meters। जब सेम डायरेक्शन में आ रही थी, सेम डायरेक्शन, तो क्या हो रहा था, 18 seconds लग रहे थे, यानी ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 180 meters, स्पीड टाइम कितना है 18 seconds, यानी 10 meters per second। दोस्तों 10 meters per second क्या है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ज्यादा वाले स्पीड से कम वाले स्पीड को घटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, पहले हम देख चुके हैं, दोबारा समझ लेते हैं। ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, पीछे से एक ट्रेन आई जिसकी स्पीड ज्यादा है, चलिए उसको V2 बोल देते हैं। V2 ने जो दूसरी ट्रेन थी उसने V2 की स्पीड से पहली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, तो पहली ट्रेन जो थी उसकी स्पीड कम होगी, दूसरी ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, तो V2 - V1 = 10 meters per second।
v2 - v1 इज इक्वल टू 10 meters per second. इसमें डॉट नहीं आनी चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में थे. अब जो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो v1 प्लस v2 हो जाता है रिलेटिव स्पीड, टोटल डिस्टेंस तो सेम रह जाएगा. जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो टाइम कितना दे रखा था हमें, टाइम हमें दे रखा था 9 सेकेंड. फॉर्मूला तो सेम रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 180 मीटर है डिस्टेंस. टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहां पे हो जाएगा 9 सेकेंड. तो ये हो गया आपको दोस्तों 180 / 9 यानी कि 20 meters per second. कितना हो गया ये, 20 meters per second. ठीक है, 20 meters per second क्या हो गया, v1 प्लस v2 हो गया 20 meters per second. वही यहां पे लिख देते हैं, v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 20 meters per second. आपको क्या करना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपको सॉल्व कर लेना है. दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं क्या आ जाता है, 2v2 इज इक्वल टू 10 + 20 = 30 meters per second. कैसे आ रहा है, 2v2 आ गया यहां पे, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, v1 यहां से कट जाएगा, जैसे कट जाएगा बचेगा 10 + 20 = 30, इधर 2v2 इज इक्वल टू 30 meters per second, v2 क्या हो गया 15 meters per second. अगर v2 हो गया 15 meters per second तो v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा, जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखोगे 15 को, v1 हो जाएगा 5 meters per second. फास्टर ट्रेन कौन सी है, ये वाली है. फास्टर ट्रेन कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि इसने ओवरटेक किया था ट्रेन 1 को. ट्रेन 2 जो थी, जिसकी स्पीड v2 थी, उसने ओवरटेक कर लिया था ट्रेन 1 को, जिसकी की स्पीड v1 थी. तभी तो v2 - v1 की इक्वेशन पे खेल रहे थे, है ना. तो फास्टर ट्रेन v2 है, जिसकी स्पीड हो गई 15 meters per second. यही आपका आंसर आ गया. अगर आपसे पूछा जाता बताओ स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या है, तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड हो जाती v1 यानी 5 meters per second. दोस्तों आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा होपफुली. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें. और इसी का एक वेरिएशन है, वो हम सब टॉपिक 6 में देखते हैं. चलिए चलते हैं सब टॉपिक 6 की तरफ. दोस्तों सब टॉपिक 6 जो है वो भी सब टॉपिक 5 का एक वेरिएशन ही है. जो हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया था वो यहां पर भी लगाना है. सब टॉपिक का नाम है चेजिंग या मीटिंग, यानी कोई आपको चेज कर रहा हो या आप कोई कहीं से आ रहा हो और दोनों लोग मिल गए हो, तो आपसे कई बार टाइम पूछा जाएगा, कई बार किसी की स्पीड पूछी जाएगी या डिस्टेंस पूछा जाएगा. तो इन तीनों को ही कैसे सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. इससे हमारा जो ये सब टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा और जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो भी आपका और ठोस हो जाएगा. तो एक चोरी रिपोर्ट होती है रात के 10 बजे, 10 PM पे एक चोरी रिपोर्ट होती है. पुलिस चोर का पीछा शुरू करती है रात के 1 बजे, यानी 3 घंटे का गैप हो गया, 3 आवर्स का गैप हो चुका है. कैलकुलेट एट व्हाट टाइम पुलिस विल कैच द थीफ, यानी कब पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी. अगर चोर की स्पीड है 42 km/h और पुलिस की स्पीड है 49 km/h, आपको करना क्या है यहां पे, ये दिमाग नहीं लगाना है कि चोर किस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, पुलिस किस डायरेक्शन में भाग रही होगी. मान लेंगे कि चोर और पुलिस दोनों सेम डायरेक्शन में सीधे सीधे भाग रहे हैं. अब चोर तो 3 घंटे पहले भागना शुरू कर चुका है, यानी वो 3 घंटे आगे हो चुका होगा पुलिस वालों से, यानी 3 घंटे की जो उसकी स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 घंटे से, तो डिस्टेंस टोटल निकल जाएगा चोर और पुलिस के बीच में जो बन चुका होगा रात के 1 बजे. तो 3 आवर्स इंटू स्पीड क्या है चोर की, 42 km/h. ये तो हो गया टोटल किलोमीटर्स डिस्टेंस, ये हो गया टोटल डिस्टेंस. स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, पुलिस की स्पीड ज्यादा है, चूंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है इसलिए वो चोर को धीरे 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 पकड़ लेगा. अब हम ये मान लेंगे कि जैसे हमारा टोटल डिस्टेंस हमें पता है, हमें रिलेटिव स्पीड पता है, तो हमें टाइम तो निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी ना, क्योंकि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस हमारा ये है, स्पीड क्या है हमारी, रिलेटिव स्पीड क्या है, 49 - 42 यानी 7 km/h. 7 km/h जो है रिलेटिव स्पीड है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टाइम निकालना है. चलिए कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं.
टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस हमारा 3 × 42, यानी 3 × 42 डिवाइडेड बाय 7 km/h, 7 ये इससे काट देगा 6 से, यानी 18 hours, यानी 18 घंटे बाद, 1 बजे से 18 घंटे बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। 1 बजे से 18 घंटे बाद कितने हो जाते हैं, 1 AM to 1 PM हो गए 12 घंटे, उसमें आपको 6 घंटे और जोड़ देना, यानी 7 PM पे, 7 PM पे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। दोस्तों हमने क्या किया, 6 सब टॉपिक के थ्रू पूरी तरह हमने टाइम एंड डिस्टेंस को कवर कर लिया है। आपको करना क्या है इसके बाद, बस और बस प्रैक्टिस करते रहना है। हम आपको और भी टफ क्वेश्चंस कराएंगे वैसे तो आगे चल के, लेकिन पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें धीरे धीरे, और उसके बाद प्रैक्टिस तुम्हारी लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। आपको हम और भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, आप हमसे जुड़े रहें। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के और भी कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।